हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर SPPU पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग SPPU पुणे यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से कर रहा है और जिसका ब्रांच ENTC है बेटा, तो ENTC के ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। तो आज हम लोग इसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में आपको प्लान भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है बेटा। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ENTC का जो मैथमेटिक्स 3 है वो थोड़ा सा टफ है, बच्चे क्या है थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करना है जो आपके सीनियर्स ने करी थी बेटा, बस आपको क्या रिस्पॉन्ड जल्दी करना है। क्योंकि आप सभी को पता है तुरंत से आपके क्या आ जाएंगे बेटा, इन सेमेस्टर आ जाएंगे और उसके बाद एंड सेमेस्टर में हमें तो समय मिल जाता है, लेकिन इन सेमेस्टर का सिलेबस क्या है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर आप लेट करोगे ना तो आपके इन सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो इफेक्ट होंगे बेटा। तो आपको कोशिश ये करना है कि मैथमेटिक्स 3 का प्रिपरेशन आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें, अगर आपका ब्रांच ENTC है तो। ठीक है, अगर कोई और ब्रांच का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो और ब्रांच का मैथमेटिक्स 3 का भी कोर्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी जो ENTC ब्रांच के बच्चे हैं वो वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़े। ठीक है, चलिए बेटा तो सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए बेटा, जो पहला यूनिट है आपका वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये इजी है, मैं इसको टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा टाइम टेकन है। यहां पर क्या है ना, पूरे रूल्स वगैरह आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे कि CF निकालने का क्या रूल होता है, PI निकालने का क्या रूल होता है ना। CF में भी अलग अलग केसेस हैं, PI में भी अलग अलग केसेस है, तो ये है इजी, लेकिन थोड़ा सा क्या है बेटा ये टाइम टेकन है। थोड़ा सा क्या है बेटा ये आप मानकर चलो कि टाइम टेकन, ये थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, और समय लेगा आपका, और मानकर चलो आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये क्या करेगा बेटा आपसे समय लेगा। तो इसको कंप्लीट करने में ना कम से कम अपन को 30+ लेक्चर्स लगेंगे, ये बात आप समझना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और मैंने क्या बोला कि बच्चों के इन सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स है ना वो इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इन सेमेस्टर में Unit 1 और 2 आएगा और Unit 1 और 2 दोनों ही क्या है बेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको लगेंगे 30 लेक्चर्स, आप मानकर चलो कि 10 डेज में आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से आराम से। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आते हैं Unit 2 में, जो कि है आपका ट्रांसफॉर्म। देखो Unit 2 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना, पहला जो चैप्टर है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ENTC जो ब्रांच है ना आपका, उसके लिए क्या है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ना तो ये दोनों चैप्टर्स आपके बहुत ही ज्यादा यूज में आएंगे, है ना। जब आप आगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह सॉल्व करोगे ना तो ये 2 चैप्टर्स का यूज आपको बहुत ज्यादा करना है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेटा ये दोनों चैप्टर्स भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों चैप्टर्स को भी कंप्लीट करने में कम से कम अपन को 40 लेक्चर्स लगने वाला है। तो आप मानकर चलो कि दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम 15 दिनों का समय चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हो, आपके एग्जाम नजदीक हैं, तो कम से कम 10 दिनों का समय चाहिए बेटा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जल्दी स्टार्ट कर दें, बस यही एक गलती होती है बच्चों से, दूसरा आपसे कोई गलती नहीं होगा, सिर्फ एक गलती होती है बच्चों से कि वो लेट स्टार्ट करते हैं और क्योंकि टॉपिक इतना सारा वो कवर नहीं कर पाते। तो भैया सारे टॉपिक्स अपन को कवर करना ताकि आप 30 में कम से कम आराम से 25 तो लेकर आओ, क्योंकि देखो बेटा चैप्टर्स बड़े बड़े हैं ना, तो यहाँ पर कोई टीचर कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, कम से कम 15+ लेक्चर्स तो इसमें लगेंगे ही बेटा, अगर 1 बाय 1 में सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करवाता हूं तो। ठीक है, चलिए तो आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनसेम एग्जाम बहुत जल्दी होते हैं आप लोगों के, है ना। और अगर जितना लेट करोगे बस आपको वही दिक्कत देगा, क्योंकि समझ में तो सब आएगा, जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में सब कुछ आएगा। पूरा कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, आपको करना क्या इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको लगाना, देखना आराम से लग जाएगा, घबराने की बात नहीं। तो यहां पर इन सेम में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इन सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बड़ा है।
ठीक है, एक चैप्टर को उधर डाल देना चाहिए था एंड सेमेस्टर में, लेकिन पता नहीं क्यों, ठीक है ना, तीन चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, तीन चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़िए, इन सेमेस्टर के लिए सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं एंड सेमेस्टर के लिए बेटा। तो देखो पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका न्यूमेरिकल मेथड, ये इजी है, लेकिन यहां पर क्या है ना, जो क्वेश्चंस है ना बेटा वो कम से कम 6 से 7 पेज में बनते हैं, और यहां पर क्या है ना, कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज करना है आपको, कैलकुलेटर बहुत सारा चलाना है यहां पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी करोगे और कैलकुलेटर अच्छे से चलाना नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो एक बात समझना, जब मैं इस क्वेश्चंस को बनाता हूं ना, इसके क्वेश्चंस को, तो मुझसे गलती हो जाती है जब मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे आता, लेकिन गलती क्यों होती है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर को रेगुलर यूज नहीं करता। तो इस वाले पार्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना बेटा कि आप कहीं ना कहीं जाकर गलती कर ही दोगे, ठीक है। अगर एक स्टेप भी गलती हुआ तो आप मानकर चलो उसके आगे के सारे स्टेप्स गलती हो जाएंगे, और एक क्वेश्चंस को करने में कम से कम आपको 15 मिनट लगता है, तो आपको नंबर भी मिलेगा 0 और आपका पूरा 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ना यूनिट नंबर 3, ये आपका इजी है बेटा, बस आपको ध्यान ये देना है कि कैलकुलेटर को यूज करना आपको अच्छे से यहां पर सीख लेना है, ठीक है। इजी चैप्टर, बस कैलकुलेटर आपको ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि आप सोचना सीधे एग्जाम में जाके करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप एग्जाम में जाके करोगे आप गलती करोगे, मैं भी गलती करूंगा, ऐसा नहीं है, जो इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा वो गलती करेगा ही, मैं खुद भी गलती करता हूं क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में नहीं है। स्टेप सारे सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सारे सही होंगे, लेकिन कैलकुलेशन में क्या होगा बेटा, गलती हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, और यूनिट नंबर 5 ये आपका वेक्टर इंटीग्रेशन। देखो यहां पर एक बात समझना आप, है ना, वेक्टर जो होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, वेक्टर कैलकुलस जो होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन का पोर्शन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन का पोर्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का पोर्शन आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है और इंटीग्रेशन का पोर्शन आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है, और ये क्या है बेटा, आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब यहां पे जो टॉपिक्स है ना वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब जब तक आप ग्रेडियंट नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको डाइवर्जेंस समझ में नहीं आएगा, तो इसे भी आप अच्छे से करो। तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करने में अपन को 40 लेक्चर्स लगेगा और अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, ये मतलब जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ है, तो हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा, ठीक है। चले तो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 हो गया, उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। अब देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी दो पार्ट है यहां पर आपके, एक है आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इसको कंप्लीट करने में 25 लेक्चर्स आपको लगेंगे। तो कुल मिलाकर एक बात आप समझना कि ENTC का जो मैथमेटिक्स 3 है ना वो एक बड़ा सिलेबस है, अगर आप इसे रेगुलर स्टडी करोगे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओगे, और अगर आप इसे रेगुलर स्टडी नहीं करोगे ना तो आप फंस जाओगे। देखो यहां पर सही गलत कुछ नहीं है, यहां पर बस एक ही चीज है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे बेटा। तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप पढ़ो रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। चलिए तो इसका कोर्स आपको मिल जाएगा बेटा ENTC का, फीस 799 है, तो आप कोर्स पहले मत लो, नीचे देखो आपको मैथमेटिक्स 3 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, मैथमेटिक्स 3 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा ENTC का, इसमें आप जाइए, है ना, इस प्लेलिस्ट को पूरा अटेंड कीजिए, आप देखिए कि आपको प्लेलिस्ट में जो चीजें मैंने समझाई है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पूरा कोर्स मेरे ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना बेटा कि आपको रेगुलर पढ़ना है इसे, बस एक ही गलती है जो आपको फंसा सकता है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, आप अच्छे मन से पढ़ोगे, समय लेके पढ़ोगे, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, कंसेप्ट समझ में आएगा, इन सेम भी टफ है और थोड़ा इन सेमेस्टर भी टफ है अगर आप अच्छे से नहीं रेगुलर पढ़ते हो तो, और अगर आप रेगुलर पढ़ोगे ना आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि जो भी चीजें हैं ना वो पूरे कंसेप्ट बेसिस पे, ठीक है। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।